हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्यू एन एपिसोड ऑफ एम ब्रोज रिएक्शंस। आज काफ़ी दिनों बाद मैं क्यू एन ए वीडियो कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड कल मैंने सोचा यार काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला जिसमें मैंने लिखा था कि यार अगर आप लोगों को आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस पोस्ट के कॉमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं सुबह उठकर उन सभी क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हुज़ैफ़ा राशिद का, उन्होंने लिखा है रिएक्ट ऑन इम्तिहान है पाकिस्तान आर्मी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ज़रूर करेंगे, परमिशन मिलते ही करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी खान, उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हो? पाकिस्तान आने का भी तो कोई प्लान नहीं है, आप लोगों से बोल रहे हैं, शेयर करो, 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, उसके बाद हम अप्लाई ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ोया खान का, आपका फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन है? पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन है? सो फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर की अगर बात करें तो लाला तो एवरग्रीन है ही, एंड मोहम्मद आमिर जो जिनकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा उनकी बॉलिंग को देखकर एंजॉय करता हूँ, मुझे उनकी बॉलिंग बहुत पसंद है। एक्टर एंड एक्ट्रेस की बात करें तो एक्टर जो है हमजा अली अब्बासी है, हुमायूं सईद है, फहद मुस्तफ़ा है, तीनों ही बेस्ट हैं। एंड एक्ट्रेस आयज़ा खान है और सबा कमर है, माहिरा खान है, ये भी तीनों बेस्ट है अपनी एक्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रॉकिंग खान का है, आपकी नज़र में कौन बेस्ट है, डकी भाई या शाम इदरीस? भाई मैं तो शुरू से ही डकी भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हुज़ैफ़ा राशिद का, उन्होंने लिखा है आप पंजाब के कौन सी सिटी से हो? पाकिस्तान पंजाब की कोई वीडियो पर रिएक्शन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं पंजाब से नहीं हूँ और ना ही मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडिया से हूँ, इंडिया में मैं इंदौर में रहता हूँ, और पंजाब तो मैं आज तक कभी गया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासिर सुमरो का, मेरे क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक मेरी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं की? यार ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, लेकिन मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट इसलिए पूरी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उन वीडियोस के लिए हमें परमिशन लेना होती है, उसके वीडियो के ऑनर से परमिशन नहीं मिलती तो हम कैसे रिएक्ट करें आप खुद ही बताओ। अगर विदाउट परमिशन करेंगे तो वो हमारे चैनल पर स्ट्राइक लगा सकते हैं जिससे हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, और शायद आप लोग नहीं चाहोगे कि मेरा चैनल बंद हो, सो इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल गेमर की तरफ से, उन्होंने लिखा डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? क्या आपको लगता है मेरी शक्ल देखकर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है? नहीं ना, तो बस यार। एक और क्वेश्चन है टेक्निकल गेमर की तरफ से ही, विच यूट्यूबर इंस्पायर यू द मोस्ट, प्लीज आंसर। सो सबसे ज्यादा इंस्पायर तो मुझे अगर रिएक्शन वीडियोस के लिए तो किया है वो है जेबी कोए, एक यूट्यूबर है जो यूएसए में रहता है एंड इंडियन वीडियोस पर रिएक्शन देता है। सो उसी को देखकर मुझे आइडिया है कि मुझे भी रिएक्शन वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियोस एंजॉय करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग भी करते होंगे, सो तभी मैंने सोचा रिएक्शन वीडियोस ही बनाएंगे, सो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीन खान का, उन्होंने लिखा है सबकी तरफ से आपके लिए दो ही सवाल है, आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं करते? बेशक। एंड सेकेंड है हमारे कॉमेंट को क्यों नहीं हार्ड रिएक्ट देते? यार हार्ड रिएक्ट तो मैं सभी के कॉमेंट्स पर करता हूँ यार, ऐसा मत बोलो, कभी कभी बाय मिस्टेक कोई रह जाता होगा। फिर उन्होंने लिखा है हा सॉरी जॉक था, एंड मेरा सवाल है कि आपका ताल्लुक किस सिटी से है? मेरा ताल्लुक तो किसी सिटी से नहीं है, मैं रहता ज़रूर हूँ इंदौर में, एकदम मिडिल इंडिया में है, इंडिया का हार्ट बोल सकते हैं और सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sam786 का रिएक्शन ऑन शान रमदान 2018 कलाम। यार इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सच में मैं ज़रूर करूँगा इस पर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइदा नकवी की तरफ से, उन्होंने लिखा पाकिस्तान की बेस्ट थिंग क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है? सो मुझे अट्रैक्ट जो करता है ना, वहाँ पर एक तो जो इस्लामाबाद सिटी है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने वहाँ का वीडियो पर रिएक्शन भी दिया है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। एंड इस्लामाबाद ही जो है एक जगह जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड गिलगित बल्तिस्तान जो काफ़ी खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू वर्ड्स का, पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगता है, मेन फेवरेट थिंग? सो इनका भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन इस्लामाबाद एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड वहाँ के जो लोगों की वो मेहमान नवाजी है काफ़ी अच्छी, हमने काफ़ी वीडियोस में देखा है वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और स्वरा भास्कर इंडियन एक्ट्रेस जब वहाँ आई थी उनका एक वीडियो देखा मैंने, उस पर भी मैंने रिएक्शन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो स्वरा भास्कर ने भी यही कहा था कि जो मेहमान नवाजी हुई ना उनकी, वैसी कहीं और हो ही नहीं सकती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ताहिरा जहांगीर का, इन्होंने लिखा है हे गाइज आई एम योर बिगेस्ट फैन, रमजान मुबारक टू यू गाइज, प्लीज़ पाकिस्तान ज़रूर आइएगा। क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? सो सिंगर नहीं है, मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, क्योंकि सिंगर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहला नाम आता है राहत फ़तेह अली खान साहब का, सेकेंड है आतिफ़ असलम, थर्ड है मोमिना मुश्तसान, एंड फोर्थ है अली ज़फ़र, ये सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइन हमज़ा का,
मोइन हमजा ने लिखा है, पाकिस्तान कब आओगे, बता चुका हूँ, 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो, वीज़ा लगवा दो, आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल क्लेटो का, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन रिक्वेस्ट पूरी करना, आपकी रिक्वेस्ट क्या है ज़रूर पूरी करेंगे, बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा अहमद का, इन्होंने लिखा है हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो ये था ना काम का क्वेश्चन। यार आयशा, कुछ खास अर्निंग्स है नहीं यूट्यूब पर फ़िलहाल, और आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान की मतलब करेंसी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो काफ़ी लो अर्निंग्स है। एंड अगर स्टार्टिंग से बताऊँ, सेवन मंथ हुए हैं मुझे यूट्यूब पर, मतलब मेरा चैनल मोनिटाइज हुए 7 मंथ हुए, और 7 मंथ में मैंने टोटल 750 मतलब $750 मैंने अर्न किए हैं। अब $750 को आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देख लो कितने होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आयशा अहमद का ही, उन्होंने लिखा है व्हाट डू यू लाइक इन पाकिस्तान। सो मैं बता चुका हूँ, वहाँ की जो मेहमान नवाजी है ना बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायशा खान का, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, एंड माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग लव बिटवीन बोथ कंट्रीज। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हम लव स्प्रेड कर रहे हैं सच में, काफ़ी दिनों से हमारा तो एक ही टैगलाइन है, मेक लव नॉट वॉर। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कुछ खास नहीं है, मुझे तो मतलब आई लव फेसबुक एंड आई हेट फेस द बुक्स, मेरी फेवरेट बुक भी फेसबुक ही है। एंड क्वालिफिकेशंस मेरा बस ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और कुछ आगे स्टडीज़ में तो मैंने करने का सोचा नहीं है, और मुझे यूट्यूब पर ही आगे जाना है, तो आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो यहीं पर हम आगे चले जाएंगे, क्वालिफिकेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइस शो जी की तरफ से, उन्होंने लिखा है क्वेश्चंस तो कोई नहीं है, बस यही कहना है कि आप सब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, आप नाइस हो बट ब्रो बट रेहान ज़्यादा, प्लीज़ डोंट माइंड बाकी गाइस। सो थैंक यू सो मच नाइस शो जी, आपका रियल नेम क्या है आप कॉमेंट करके बताओ, एंड बाकी तो है नहीं, और आपने तारीफ भी मेरी करी है तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा हैदर कमल ने लिखा, आपका फेवरेट ओएसटी क्या है। तो फेवरेट ओएसटी मेरे दो ही है फिलहाल, एक तो है रंगरेजा ओएसटी बाय साहिर अली बग्गा, और एक है बेदर्दी ओएसटी। बेदर्दी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही रिएक्शन किया हमने उस पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमशा परवेज का, कैन यू से माई नेम प्लीज़। सो रिमशा परवेज बोल दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैची लीरा, जो कि हमारे मतलब हमारे साथ स्टार्टिंग से, मतलब जब हमने शुरू ही करा था ना यूट्यूब, तब से इनके कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। तो इनका कमेंट ये है कि आप लोग अपनी जॉब्स का बताएं, क्या जॉब्स करते हैं। तो जॉब्स मैं करता हूँ लैपटॉप रिपेयर करता हूँ मैं, डेल जो लैपटॉप आते हैं ना डेल का सर्विस सेंटर है वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, एंड वहाँ पर हम लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं, एंड कभी कभी स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स भी कर देते हैं। सो बस यही करता हूँ मैं, छोटा सा काम है। एंड हमारा टेंट का बिजनेस भी है, अगर आप लोगों में से किसी की शादी हो तो कॉन्टेक्ट करना मुझसे, काफ़ी कम रेट में काफ़ी अच्छा सा टेंट हम लगा देते हैं, सो एक बार मुझे बताना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसनत खान की तरफ से, उन्होंने लिखा है रेहान आपका आप रोज़ा रखते हैं। भाई पूरे रोज़े रखता हूँ, पूरे, एक भी नहीं छोड़ता, जब तक बीमार ना हो जाऊँ तब तक तो पूरे ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन अली, हेलो आपका फेवरेट पाकिस्तानी यूट्यूबर कौन है। मेरा फेवरेट पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो है नादिर भाई, नादिर भाई के वीडियोस हमेशा बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मज़ा आ जाता है। और रजा शामू भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, उनकी जो रोस्टिंग है ना कमाल है यार, जो रोस्टिंग जिस लेवल की उनकी रोस्टिंग है ना, काफ़ी यूनिक और हट के रोस्टिंग है उनकी, उनके जैसी रोस्टिंग जो है ना कोई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीके का, पीके ने लिखा है आर यू वर्जिन। सो वर्जिन यार ये कैसा सवाल है रमज़ान के महीने में, ऐसा क्वेश्चन कौन करता है यार। अगर चलो फिर भी जवाब दे देता हूँ, यस आई एम। शादी कब कर रहे हो भाई, एहसान मोसानी का क्वेश्चन है, शादी कब कर रहे हो। शादी जब भी होगी आप लोगों को बताऊंगा, और हो सकेगा तो मेरी पूरी शादी का व्लॉग बनाकर आप लोगों को यूट्यूब पर ही दिखाऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का वलीमा नहीं कर सकता, यानी रिसेप्शन इतने सारे लोगों का, हमारे 43 सब्सक्राइबर्स है, और जब तक शादी होगी तब तक तो शायद 1,00,000 हो जाए। सो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इतने लोगों का मैं वलीमा करूंगा तो मैं बिक जाऊंगा खुद। सो आप लोगों को यूट्यूब पर ही मैं शादी दिखाऊंगा मेरी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पीके का, इन्होंने लिखा है उई पुस फुस फुर ठुर, 3 बार बोलो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हे यार पीके, एक बात बताओ मुझे, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया तो अभी चले जाओ प्लीज़, आपके नाम से लग रहा है आप पीके ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोया खान का, आपका ख्याल में पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिक्स पार्टी सही है, PTI, PMLN, PPP या MQM। यार इन सभी के नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ,
और मुझे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं पाकिस्तान के बारे में कैसे बता सकता हूँ। फिर भी मुझे जो इमरान खान की जो भी पार्टी है ना, कमाल अच्छी है, मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान को ही सपोर्ट करूँगा, वो जिस भी पार्टी में होंगे मेरा वोट उसी की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकिंग खान की तरफ से, फिर से आप बहुत भोले अच्छे हो यार, भोले भोले, ये शायद आपने मेरी शक्ल देख के बोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अली हसन का, सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक, आई विश आप खैरियत से हो, एंड आपसे ये पूछना है क्या आप पाकिस्तान कब आओगे। इट्स फनी क्वेश्चन बट है तो है, एंड रेहान आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें और दुआओं में याद रखिएगा, बिकॉज हियर वी आर फॉर मेक लव नॉट वॉर। आपका कमेंट सबसे बेस्ट लगा मुझे, सबसे लास्ट कमेंट था आपका और सबसे बेस्ट कमेंट आपका ही लगा, थैंक यू सो मच, एंड आपको दुआओं में ज़रूर याद रखा जाएगा। आपका नाम है अली हसन एंड काफ़ी अच्छा नाम है आपका, सो थैंक यू सो मच यार। पाकिस्तान कब आना है ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। गाइस बस यही थे आज के क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, एंड इस तरह के रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए, इस तरह के नहीं और भी काफ़ी रिएक्शन वीडियोस हमारे चैनल पर, वो सब देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन आप हमारा ज़रूर चेक करिएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक, इंस्टाग्राम के यूज़र नेम, ट्विटर यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप हमसे और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, सो इस सोशल मीडिया पर आप ज़रूर फॉलो करें हमें। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलकर आपसे बात करेंगे कुछ नए रिएक्शन वीडियोस के बारे में, सो तब तक के लिए मेक लव नॉट वॉर।